एक कहावत है, इफ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम देन यू आर इन द रॉन्ग रूम। वेल, आप इमेजिन करें आप किसी रूम में एंटर करते हैं और वहां सबसे स्मार्टेस्ट पर्सन आप ही हैं। लाइक यू आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। जस्ट इमेजिन द वाइब, कैसा लगेगा आपको? वुड दैट मेक्स यू फील हैप्पी? आपको सुपीरियर फील होगा? हो सकता है आपका ईगो भी बूस्ट हो जाए। यू विल फील लाइक कि मैं ही सबसे स्मार्ट हूँ, आई नो एवरीथिंग, मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता हूँ। क्या लगता है आपको, क्या कर रहे हो आप उस रूम में? हो सकता है आप किसी और को बहुत कुछ वहाँ पर सिखा रहे हो, सिंस यू आर द स्मार्टेस्ट वन इन दैट रूम, लेकिन सबके बीच आपको क्या सीखने को मिल रहा है? आर यू लर्निंग समथिंग न्यू? आर यू बिकमिंग द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ? द आंसर इज नो। दोस्तों, अगर आप मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो कभी इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, और इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे तो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऑलवेज सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु आर स्मार्टर देन यू। अपने आप को उन लोगों के बीच रखें जिन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा जिंदगी देखी हो, बहुत कुछ अचीव किया हो, आपसे पैसे कमाने में 5 गुना आगे हो, आपसे दूसरों के साथ रिलेशन रखने में, मेंटेन करने में 5 गुना आगे हो। हमेशा आपको वैसे लोगों के साथ रहना चाहिए, उन्हीं से आप बहुत कुछ सीख पाओगे। कहते हैं यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड टाइम विद। देयर इज ऑलवेज अ रूम विद समवन स्मार्टर देन यू दैट विल ब्रिंग आउट द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। स्पेंड टाइम विद स्मार्ट एंड वाइज पीपल। इफ यू एंजॉयड द वीडियो then please click the like button and share to help others find it. #MainKyaSochtaHoon